नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, ये हमारा जो है सेकंड पार्ट है, जो मैंने बताया था कि हम आसानी से छठ पूजा को कैसे उठाएं। हम सारी माताएं बहनें, जो आजकल के आधुनिक युग की जो लड़कियां हैं, उनके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था कि छठ पूजा को हम आसानी से कैसे उठाएं और किस चीज़ से उठाएं, वो भी चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ। और छोटे जगह में, बिना कम बर्तन में और एक ही चूल्हा के साथ हम छठ पूजा को कैसे उठाएं, तो चलिए आज इस वीडियो में हम जान लेंगे कि बिना ठेकुआ का हम कैसे उठाएं। तो सबसे पहले हमको 36 घंटा के लिए छठ व्रत नहीं उठाना है। अगर सक्षम है तो उठाएं, नहीं है तो आप 24 घंटे के लिए ही बड़ी वाली जो छठ बोलते हैं, जो षष्ठी है, उसको नहीं छोड़ना है, उसको हमें उठाना है। और जो छोटी छठ है, जो जिसको खरना बोलते हैं या खिरनी बोलते हैं, जो ही मन्नत अगर पूरा जिनकी होती है वो छठ व्रत को उठा लेते हैं। और संतान प्राप्ति का तो ये बहुत बड़ा व्रत है, तो आप सभी को करना चाहिए और इसको निभाना चाहिए। अपने रीति जो हमारी पहले से आ रही है, और छठ पूजा हमारे घर में हमारे बड़े करते आ रहे हैं, तो हम युवा पीढ़ी और हमारी जो बहनें हैं, उन सभी को छठ व्रत से बिल्कुल दूर नहीं भागना चाहिए। और उनको मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि आसानी से कैसे उठाएं और बिना ठेकुआ का हम कैसे उठाएं। तो चलिए आज हम इसमें जान लेते हैं कि आप शहर में रह के भी आसानी से छठ पूजा को कितने अच्छे से कर सकते हैं और अपने रीति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें 24 घंटे का उपवास करना है, बड़ी वाली छठ को उठाना है, और खाना हाँ तो करना ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है अपने वीडियो में। तो जिस दिन खरना होता है, उस दिन हमारा खाना हाँ होगा, बड़ी वाली छठ। अगर हमें इसको फल से उठाना है, इसको हमें ठेकुआ नहीं बनाना है, आप चाहें तो इसको फल से भी उठा सकते हैं कि आप बहुत आसानी से आप इसको निभा सके, आगे भी कोई आपको समस्या ना हो। तो आप इसमें नारियल सबसे पहले मेन है, और वो भी जटा वाला नारियल चाहिए, उसका जो ऊपर का कवर बोलते हैं उसको, छिलका, वो नहीं हटना चाहिए, जट के साथ नारियल चाहिए। तो आपके पास जितनी पुत्र हैं, और मतलब पुत्र ही नहीं, पुत्री भी, आप अपनी श्रद्धा से आपके पास जितने संतान हैं उतने सूप आपको अर्घ देना है। उसके लिए आपको सूप या तो बांस का ले लीजिए, या हर साल खरीदने के झंझट से आप बच सकते हैं, आप पीतल का भी सूप खरीद सकते हैं। और एक डलिया खरीदना है बड़ा सा बांस का, और उसमें आपके पास जितने संतान हैं उतने आप सूप रख लीजिए। और रखने के बाद हर सूप में एक एक नारियल चाहिए, दो लिए हैं, तीन लिए हैं, वो आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है कि आप कितना सूप से अर्घ देना चाहते हैं। और नारियल रखने के पास एक नींबू आता है मीठा वाला, जिसको गागल नींबू भी बोलते हैं, वो नींबू मस्ट है, तो वो नींबू ले लीजिए। और भी जो फल फ्रूट, छठ माता को ऐसे बहुत सारे फल फ्रूट चढ़ते हैं, तो आप जितना सक्षम है सारे फल फ्रूट्स खरीद लीजिए, और नारियल, सेब, और नाशपाती, और गाजर और खीरा वगैरह नहीं चढ़ते हैं, ये सब नहीं चढ़े। सब्जियों में जैसे कद्दू, लौकी, और एक सुथनी आता है, सुथनी जो बोलते हैं, आप मार्केट में पूछिएगा, जिनके यहाँ छठ होता है वो जानते होंगे, तो सुथनी हमें लेना है। और कोन, शकरकंद जिसको बोलते हैं मीठा शकरकंद, वो भी। और इस तरीके से हल्दी चाहिए, जड़ वाली हल्दियाँ चढ़ता है छठ माता को, जड़ सहित। और हमें अदरक, अदरक का भी पौधा सहित ही जड़ उसमें लगा रहे, वही हम चढ़ाते हैं। और हल्दी, और एक हल्दी हो गया, अदरक हो गया, और भी जो आपके पास जड़ वाले अगर कोई भी फल मिले तो आप चढ़ाइए। केला का एक घवद, पूरे केला ही चढ़ता है। और ऐसे आप चाहे तो इस तरीके से थोड़ा सा भी केला आप चढ़ा के छठ माता का व्रत कर सकते हैं। और क्या करना है, सभी फल को सबसे पहले हमें उसको धो लेना है, और धोने के बाद अपने अपना डलिए को अच्छे से साफ कर लीजिए, धो लीजिए, और उसको हल्दी, कुमकुम, और एक ऐपन बनता है जो चावल, आटा, शुद्ध आटा चाहिए, और हल्दी को मिक्स करके और उसको एक घोल रेडी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, और उसे अपने सूप के ऊपर, और जो डलिया आपको रेडी करना है उसके ऊपर, चार उंगली से आप उसके ऊपर ऐसे डिजाइन बना लीजिए, चारों उंगली का, जिसको बोलते हैं थाप मारना, बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, भाषा में,
तो आप उसको थाप मार लीजिए सारे सूप के ऊपर, और जितनी फल आपने धो के रखे हैं उन सभी के ऊपर उस ऐपन से जो घोल बना के रखे हैं आटा और हल्दी का, उससे आप उसके ऊपर भी लगा लीजिए। और उसके बाद आप पीला सिंदूर से पूरे उसके ऊपर आप मतलब उसको टिक दीजिए, मतलब टीका कर दीजिए उसके ऊपर, सभी के ऊपर। और उसके बाद अपने अपने डाला को सजा लीजिए। और एक आता है अलता का पत्ता आता है, लाल लाल मिलता है मार्केट में बोलेंगे तो, वो भी चाहिए। और उसको भी नारियल के ऊपर चिपका लेते हैं, मतलब सटा लेते हैं, और वो भी मस्ट है छठ पूजा के लिए। और उन सभी के साथ हम अपने डाला को सजा लेंगे। ईख चाहिए तो ईख को गन्ना जिसको बोलते हैं, उसको भी आप छोटे छोटे टुकड़े में काट के और आराम से अपने डलिया को सजा लीजिए शाम के समय। और आपको ठेकुआ तो बनाना नहीं है, कोई आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा कार्य भी नहीं है, और इस तरीके से सारे फल को सजा के आप शाम को दिया चाहिए हमें कोरा को, मतलब नया दिया चाहिए न्यू, और बत्ती और तेल ले लीजिए या घी ले लीजिए। सरसों का तेल से तो नहीं जलाते, अगर तिल का तेल आपको मिले या घी मिले तो उसके साथ दिया भी आप रख लीजिए, 4-5 दिया। आहूत चाहिए हवन करने के लिए, और आप अगरबत्ती और इन सभी चीज़ों के साथ आप पहले मैच बॉक्स तो पक्का ले लीजिएगा, माचिस, वो हम वहाँ घाट पे जाके ढूंढने लगते हैं भूल जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप लेके अपने डाला को तैयार कर लीजिए। और एक नया कपड़े के साथ, या तो आप घर में कुछ बना के रेडी किए, बहुत सारे लोग उसको घर में भी कवर बना के रेडी करते हैं कुरुसिया का वर्क से, या कपड़े के साथ, या आप न्यू एक गमछी खरीद लीजिए जिसको गमछा बोलते हैं, या नया कोई भी कपड़ा ले लीजिए, कलरफुल लीजिएगा, और उसको ढक लीजिए। और ढक के आप अपने जो डाला है उसको लेके शाम को हमें छठ पूज घाट पे जाना है, और ख़ुद भी कोरा साड़ी हमें पहनना है। और हमारा उपवास तो है ही, ये हमारा बस 24 घंटे के ही उपवास है, तो आप हर मतलब बहनों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप ज़रूर इस तरीके से करिए, आपको बिल्कुल छठ व्रत भारी नहीं लगेगा, क्योंकि चिंता के बहुत ज़्यादा चिंता के वजह से औरतें जो हैं और बहनें हमारी छठ व्रत नहीं उठाती हैं कि हम इसको कैसे करेंगे और इसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से करिए और अपने रीति के अनुसार। और आप शाम को छठ व्रत करने के लिए पहले सबसे पहले आपको घाट पे जाना होता है, नदी किनारे, इसको खुला में ही किया जाता है। लेकिन अगर इस साल 2020 में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप चाहे तो घर में भी, मैं अपने एक वीडियो में बताई हूँ कि छठ पूजा हम घर में कैसे करें, तो थोड़ा सा आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा आप चेकआउट करिए, तो भी मैं बता देती हूँ कि घर में भी आप बालकनी में भी खड़ा होकर अर्घ दे सकते हैं शाम को, और आप गड्ढा एक खोद के भी उसमें खड़ा, कहीं भी पानी में ही हमें खड़ा होके अर्घ देना है। छत पे भी क्यारी सा बना के आप उसमें खड़ा होके अर्घ शाम का या सुबह का आप दे सकते हैं, थोड़ा सा पानी जमा कर लीजिए। और अगर घाट पे जा रहे हैं तो घाट पे जाके डूबते हुए सूर्य को हमें अर्घ देना है, सूर्य भगवान का इसमें हम आराधना करते हैं, और छठ माता भी उनकी बहन मानी जाती हैं कथाओं के अनुसार। तो आप इस तरीके से शाम का अर्घ दे लीजिए, और देने के अपने हाथ पे हमें सूर्य भगवान की प्रतिमा बनाना है सिंदूर से, और उस ऐपन जो हमने घोल रेडी किया है, और इस तरीके से हमें करके सूप को हाथ में रख के, और हमें किसी भी पुरुष से, अपने घर के पुरुष से जल से शाम का अर्घ हम जल से देते हैं, गंगा जल, अगर जो ही जहां आप कर रहे हैं उसी जल से आप थोड़ा सा जल ले लीजिए अपने लोटे में या ग्लास में, पीतल का कोई भी आपके पास अगर पात्र है तो उसमें ले लीजिए, और लेके आप किसी भी पुरुष से, अपने घर के आपके बेटा हो और आपके पति हो, उनसे आप अर्घ दिलवा लीजिए सूप को और दौरा को। और लेने के बाद ये तो हो गया हमारा शाम का अर्घ, और वहाँ पे आप छठ माता का पूजा अर्चना कर लीजिए, जो आपने या तो मिट्टी से बनाए हैं, या बहुत सारे लोग ईंट से भी बना के प्लास्टर वगैरह करवा के छठ माता की प्रतिमा बना के वहाँ पे रखते हैं। और उसको पूजा अर्चना करने के बाद हम अपना धूप अगरबत्ती सब वहाँ जला लेंगे, दिया जला लेंगे, और अर्घ देने के बाद फिर हम घर आते हैं। तो हम बहुत सारे लोग कोसी भरते हैं, तो कोसी का मैं अलग से आपको वीडियो
आप मेरा देखिएगा, मैं कोसी के लिए भी वीडियो अलग से बनाई हूँ, तो थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हर विषय पे, छठ से जुड़ी हर बात विषय पे मैं आपको वीडियो दूंगी। तो आप कोसी कैसे भरते हैं, और कोसी जो ही हमारे मन्नत पूरी होती हैं तो हम कोसी भरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हर साल भरना है, लेकिन जिनके यहाँ रीति है, रिवाज है कि हम हर साल कोसी भरेंगे, तो वो जोड़ा भी भरते हैं और एकल भी कोसी भरते हैं। तो आके हम लोग कोसी भरते हैं, और फिर सुबह का अर्घ हमें कैसे देना है, तो सुबह भी जितने आप फल जो अपने सूप में सजा के रखे थे, और ठेकुआ तो आप नहीं कर रहे हैं, जो ठेकुआ रखते हैं तो वो ठेकुआ को भी बदल लेते हैं, नया ले लेते हैं दूसरा, और फल को भी हमें बदल लेना है तो आप उसको बदल लीजिए, दो चार फल अगर जो आपके पास फल है तो बदल लीजिए, जो नहीं है तो क्या करेंगे, फिर वही फल को आप सुबह भी जाके अर्घ दे सकते हैं। और दो साड़ी से अगर आप उठाएंगे छठ, तो सुबह दूसरा पहन लीजिए, शाम को दूसरा पहन लीजिए। अगर एक ही से कर रहे हैं तो आके वो साड़ी आप खोल के रख दीजिए, दूसरा अपने घर का ड्रेस पहन लीजिए, और फिर सुबह वही साड़ी आप पहन के आप फिर जाके सुबह का सूर्योदय वाला अर्घ आप दे सकते हैं। तो उसका टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगी अपने वीडियो में कि सुबह का अर्घ हमारा कब है, तो आप मेरे वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। और इस तरीके से सुबह हम अर्घ देते हैं, और देने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद वितरण करते हैं, और 5 सुहागिनों का हम खोइंचा भरते हैं, मतलब आँचल में फल फ्रूट हम डाल के 5 सुहागिनों को, और नाक से हम सिंदूर लगाते हैं, यहाँ से पूरे मांग तक सूर्य देव के अनुसार ये माना जाता है कि नाक से सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है छठ व्रत में। तो आप 5 सुहागिनों का ऐसे मांग भरिए नाक से लेके और मांग तक, और पांचों के खोइचा में जो ही फल अगर आपके पास है तो फल से उनका खोइचा भरिए, और ठेकुआ अगर बनाए हैं तो उनसे भी भरिए। लेकिन अगर ठेकुआ से भी आप करना चाहते हैं तो एक दिन का भी व्रत आप उठा सकते हैं, सिर्फ 24 घंटे का, और फल से उठा रहे हैं तो और आसानी से आप छठ माता का व्रत कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, और इतनी आसानी से आप छठ माता का व्रत और अपने घर के रीति को आगे बढ़ाइए, और ज़रूर करिए, बिल्कुल छोड़ने का तो सोचिएगा भी मत। और हमारे जो पूर्वज करते आए हैं, तो हम लड़कियों को ये व्रत और बहुओं को ज़रूर अपने साथ से उठा लेना चाहिए, उनसे ले लेना चाहिए, अगर वो सामर्थ्य नहीं है, सक्षम नहीं है तो, और हमें अपने रीति रिवाज को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ, और फिर आगे मेरे वीडियो को आप थोड़ा चेकआउट करिए, मैं आपकी हर समस्या का समाधान बताते हुए छठ व्रत पे कई वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो आप थोड़ा चेकआउट करिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय छठ मैया, अपनी महिमा इसी तरह से सबके ऊपर बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच।